नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट है आरआरबी एएलपी 2018 से निकले। जी फ्रेंड, देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी आप लोगों को देखने को मिला। जी फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। देख सकते हैं रिप्लेसमेंट पैनल जो फ्रेंड आउट हो चुका। जी फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स आप लोग नोटिस देखने को मिलेगा फ्रेंड रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग मिलेगा। फ्रेंड्स, एक नोटिस और मिलेगा जो फ्रेंड कैंडिडेट का जो रीमेडिकल, यानी जो जो कैंडिडेट को रीमेडिकल दोबारा बुलाया गया। जी फ्रेंड, का डेट भी निर्धारित कर गया 22 फरवरी को आप लोग को रीमेडिकल के लिए उपस्थित होना था कि आप लोग को रीमेडिकल कराया जाए। तो बहुत ही अच्छी खबर आप लोग को निकल कर। चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे और इसके रिगार्डिंग बात करते हैं दोनों नोटिस के रिगार्डिंग। इससे पहले फ्रेंड, चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें कि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर नोटिस मिलते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको री मेडिकल का नोटिस, यानी जो री मेडिकल का नोटिस उसको देखने सबसे पहले फ्रेंड्स रेलवे रिक्रूटमेंट रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। जी फ्रेंड, जैसे ही रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो फ्रेंड आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, देख सकते हैं आज ही के डेट में 18/2/2021, यानी आज ही के डेट में देखिए नोटिस आया। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, साफ नोटिस फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन अगेंस्ट सेल नंबर 01/2018, यानी एएलपी टेक्नीशियन का जो री मेडिकल डेट आया। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या सब मेंशन किया पूरा डिटेल में फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी हां फ्रेंड, देख सकते हैं नोटिस, देख सकते हैं हैज़ इंटीमेटेड बाय चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि दानापुर फ्रेंड स्टैंडर्ड मेडिकल बोर्ड जो कि फ्रेंड बिलोंग करता है, मेंबर जो फिर रेस्पेक्टेड, देखिए सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दे वो नहीं देखेंगे। चलिए देख लेते हैं जो मेन पॉइंट उसको हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं स्टैंडिंग डेट ऑफ मेडिकल, यानी फिर जो आपको मेडिकल जो जो कैंडिडेट मेडिकल बुलाया गया उनको देखिए 22 से लेकर 24 डेट के बीच में फिर उसको साबित होने, यानी दो डेट में उनको मेडिकल होगा 22 से लेकर 24 में, यानी 22, 23, 24 यानी तीन डेट में। तो वहाँ पर देखिए कहाँ किन किन कैंडिडेट का नाम होगा, तो फिर यहाँ पर देखिए आप लोग को जो फिर कैंडिडेट के नेम्स रिलवाइज में पूरा यहाँ पे फ्रेंड्स अरेंज किया है। फादर ने भी सारा कुछ दिया आपको, डिविजनल हॉस्पिटल कहाँ पे जाना, तो देख सकते हैं आप लोग डिविजनल हॉस्पिटल जो दानापुर हॉस्पिटल में आपको जाकर अपना री मेडिकल वहाँ पे करवाना है। इन कैंडिडेट का देखिए यहाँ पे नाम आप लोग को देखा गया, 14 कैंडिडेट है इस लिस्ट में शामिल, देख सकते हैं 14 का लिस्ट यहाँ पे शामिल है। 14 अपना लिस्ट में नाम देख के अपना डिविजनल हॉस्पिटल में जाकर अपना रीमेडिकल करवा लिए, देख सकते हैं। अकॉर्डिंग ऑल द अबव कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट डिविजनल हॉस्पिटल दानापुर। जी फ्रेंड, दानापुर का रिपोर्ट करना कब, देखिए 22 फरवरी 2021 को सुबह 9 बजे आप लोग रिपोर्ट करके अपना रीमेडिकल करवा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस, यानी दूसरी नोटिस क्या। तो फ्रेंड दूसरी नोटिस जो फ्रेंड्स आप लोग का रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट पैनल में नोटिस देखने है, सबसे पहले फ्रेंड्स रेलवे रिक्रूटमेंट रांची बोल रहा हूँ भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी फ्रेंड, जैसे ही भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 17 वाले सेक्शन में आप लोग एक नोटिस देखने को मिलेगा। रिप्लेसमेंट पैनल कैटेगरी नंबर देख सकते, कैटेगरी नंबर 134 यानी टेक्नीशियन ग्रेड थी सिग्नल अंडर सेल नंबर 01/2018। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या सब मेंशन किया है रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी फ्रेंड, देख सकते हैं रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 01/2018। तो कैटेगरी नंबर देखिए आप लोग को, कैटेगरी नंबर फ्रेंड से 133 टेक्नीशियन सिग्नल वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई में। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मेंशन किया फॉलोइंग कैंडिडेट बेस ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस, यानी नीचे कैंडिडेट का लिस्ट किया उनके मेरिट पे आधार पे प्रेफरेंस के आधार पे जो फ्रेंड उन्होंने प्रेफरेंस अपना फॉर्म डालते समय डाला था, और प्रोविजनली इनको प्रोविजनली जो फ्रेंड शॉर्टलिस्ट कर दिया गया रिप्लेसमेंट पैनल अगेंस्ट वेस्टर्न रेलवे वैकेंसी, जो कि फ्रेंड्स पर्टिकुलर उनको रिकमेंड कर दिया गया चीफ पर्सनल ऑफिसर को, जो कि फ्रेंड देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में जो फ्रेंड चीफ पर्सनल ऑफिसर उन्होंने इनको रिकमेंड कर दिया था। देख सकते कैटेगरी नंबर वाइज 134 है सीरियल नंबर, यानी 4 कैंडिडेट का जो फिर रिप्लेसमेंट पैनल है, इनका ओवरऑल रैंक यहाँ पे दिया है, इनका रोल नंबर यहाँ पर, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे, कम्युनिटी किस कम्युनिटी में सिलेक्शन हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल पूरा आप लोग दिया, आप लोग यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल अपना चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड को जो फिर नोटिस किया कि जो प्रोविजनली जो फ्रेंड्स जो मतलब कैंडिडेट के इस लिस्ट में ना उसको फ्रेंड्स ये लोग फाइनल नाम मांगे, यानी इससे प्रोविजनली लिस्ट में नाम आने से ये नहीं होता कि आप लोग रेलवे में अपॉइंटमेंट करने के लिए पर ये हो गए फ्रेंड्स, यानी आप लोग का परमानेंट लेटर मिल चुका है। जब तक फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, आप लोगों का पूरा कंप्लीट जो फ्रेंड्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा अपने को, जो फ्रेंड मार्क फ्रेंड टेक्निकल एजुकेशन सारा कुछ कास्ट सेट सारा कुछ जब टोटली वेरीफाई हो जाए तब आप लोग को फ्रेंड जो है फाइनली जो है माना जाएगा कि आप लोग जो अपॉइंटमेंट करने के लिए रेलवे में पूरे तैयार है। तो फ्रेंड यही है फ्रेंड आपके रेलवे तरफ से दो नोटिस निकल के, एक फ्रेंड री मेडिकल की नोटिस और फ्रेंड एक रिप्लेसमेंट पैनल की नोटिस। तो उस पर अच्छे से ध्यान दो फ्रेंड्स, अपना री मेडिकल जाके 22 तारीख को जाकर अपना री मेडिकल करवा ले दानापुर डिविजनल हॉस्पिटल में। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतने, तो फ्रेंड धन्यवाद और नमस्कार फ्रेंड्स।